सावन के साथ ब्रज में बिखरी आस्था की छटा, सोने चांदी के हिंडोले पर विराजे द्वारिकाधीश। सावन मास के शुरू होते ही ब्रज के मंदिरों में आस्था की अद्भुत छटा बिखरने लगी है। मथुरा और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में बुधवार से हिंडोले शुरू हो गए हैं। पहले दिन ठाकुर द्वारिकाधीश ने सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। सावन मास के साथ ब्रज के मंदिरों में हिंडोला एवं घटा उत्सव की धूम शुरू हो जाती है। द्वारिकाधीश मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस दौरान अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग मथुरा आते हैं। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने द्वारिकाधीश मंदिर में सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन किए। यह सिलसिला सुबह से रात तक चलता रहा। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि ठाकुर द्वारिकाधीश के लिए 80 साल पहले सोने चांदी के हिंडोले का निर्माण कराया गया था। तिवारी ने बताया कि गुरुवार को ठाकुर द्वारिकाधीश के लिए फिरोजी जरी हिंडोला सजाया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को केसरी चित्रकाम हिंडोला में विराज ठाकुर द्वारिकाधीश श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। ठाकुर द्वारिकाधीश में जन्माष्टमी तक अलग अलग तरह के हिंडोले सजाए जाएंगे। ये होंगे आयोजन। 17 जुलाई सरवन चांदी हिंडोला, 18 जुलाई फिरोजी जरी हिंडोला, 19 जुलाई फिरोजी मखमल हिंडोला, 20 जुलाई के श्री चित्रकाम हिंडोला, 18 जुलाई फिरोजी जरी हिंडोला, 20 जुलाई के श्री चित्रकाम हिंडोला, 21 जुलाई लाल सोनेरी हिंडोला, 22 जुलाई स्वर्ण चांदी हिंडोला, 23 जुलाई श्याम मखमल हिंडोला, 24 जुलाई गुलाबी मखमल हिंडोला, 25 जुलाई नीले कपड़े मोती हिंडोला, 26 जुलाई कलिका हिंडोला, 27 जुलाई पंचरंगी फूलों का हिंडोला, 28 जुलाई फूलों का हिंडोला, 29 जुलाई बगीचा हिंडोला, 30 जुलाई केसरी घटा मनोरथ, 31 जुलाई कुंज में हिंडोला।